हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिदम रनिंग के बारे में कि कैसे आपको अपने रिदम बहुत अच्छा करना है। और जब आपका रिदम अच्छा होगा तो आपकी जो बॉलिंग है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे फास्ट बॉलर का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि भैया रिदम के बारे में बताओ कि कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ, कितने समय के अंदर ठीक होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सब कुछ बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने अपने रिदम ठीक करना है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने हर क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आपको कैसे रिदम इम्प्रूव। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको सबसे पहले अपने कुछ एनालिसिस करने होंगे और आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरी बॉलिंग जो है, मेरा जो रिदम है वो किस लेवल पर है, राइट। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जब मैं रिदम रनिंग करता हूँ तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या मैं जो नो बॉल की लाइन होती है उसको देख के भागता हूँ? क्या मेरे जो स्टेप्स हैं वो इररेगुलर पड़ते हैं, यानी कि छोटे बड़े स्टेप्स पड़ते हैं? क्या मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है और जब मेरा एंड आता है तो मेरे स्टेप बहुत छोटे हो जाते हैं और मेरी पूरी पावर जो रिदम की होती है वो बॉलिंग में नहीं लग पाती? तो ऐसी आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं अपने रिदम को कैसे मार्क करूं और कैसे उसको तैयार करूं। आप ध्यान रखिएगा कि रिदम के अंदर सबसे बड़ा जो वर्ड है ना, वो है कंट्रोल। कि आपके पास जितना अच्छा कंट्रोल होगा आपके रिदम में, उतना ज़्यादा बेटर आप बॉलिंग कर पाएंगे, उतने कंट्रोल में आप बॉलिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास रिदम में कंट्रोल नहीं हुआ, अगर आप बहुत तेज़ी से भागते हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉलिंग में भी वो जो कंट्रोल नहीं है ना रिदम में, वो दिखने वाला है। आपकी बॉल भी कहीं और जाने वाली है। तो आपको रिदम को तेज़ तो रखना है बट उसे कंट्रोल में रखना है, ताकि आप जो एफर्ट लगाना चाहते हैं बॉलिंग में वो डेफिनेटली आपसे लग सके। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि रिदम में हमें ऐसे चार प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं जिसके बेसिस पे हम अपने रिदम को इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो आप उसको डेफिनेटली जाके देखिएगा। तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं मैंने क्या बताया कि रिदम के अंदर सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड है बताइए? कंट्रोल। कि जैसा आपका कंट्रोल होगा उतना अच्छा आपका रिदम होगा। तो कंट्रोल डेवलप करने के लिए, रिदम को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सेटअप कर रखा है, यहाँ पर एक स्टंप है और ये मैंने पूरा अपना रिदम जो है वो सेट कर रखा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, तीन तरीके से आप सेटअप करके अपने रिदम को अच्छा कर सकते हो। सबसे पहला कि आपने नॉर्मल जितना भी आपके कदम का रनअप है, आपने दो कोण रखे और वहाँ पे आपने रनिंग करना शुरू करना है। सेकंड जो सेटअप होता है, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो रस्सियों पर रनिंग करते हैं, मतलब साइड में रस्सियाँ लगा देते हैं, ये जो पूरा रनअप देख रहे हैं आप, वहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ पर लगा देते हैं वो रस्सियाँ, फिर उस पर वो दौड़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जो आपका रनअप है ना, इस पर आप चूना लगा सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर चूना लगा सकते हैं जहाँ भी आपका रनअप है, और उसके बाद उस पर रनिंग करना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके स्टेप्स अच्छे होंगे, आपका जो रिदम है वो एक लाइन में रहेगा, और जब रिदम आपका एक लाइन में रहेगा तो वो स्मूथ होगा, राइट। तो देखते हैं कि आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आपका रिदम अगर आज किसी भी कंडीशन पे कि आपके स्टेप्स अच्छे नहीं पड़ते, आपके स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, आप स्टार्टिंग में तेज़ भागते हैं, बीच में स्लो हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन सब का सोल्यूशन पता है क्या है, ये जो सेटअप है इस पर रनिंग करना, दैट्स इट। चाहे आप उसे चूने लगा के करो, चाहे बिना चूने के करो, चाहे आप रस्सियाँ लगा के करो, लेकिन इस पर आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग करनी है। हमारा जो रिदम होता है वो कुछ समय तक तो ठीक रहता है, कुछ समय बाद ख़राब क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग इस ट्रेनिंग को करना छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे लिए परमानेंट हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको अपना रिदम हमेशा अच्छा रखना है तो आपको ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ ये डेफिनेटली करनी पड़ेगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपको मार्क करना है अपना कि कैसे आप मार्क करेंगे। आपने ये रखा नो बॉल की लाइन से और ऊपर जंप करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर बॉलर का ना एक अलग अलग तरीका होता है मार्क करने का, राइट। कई सारे बॉलर क्या करते हैं, वो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ वो एक स्टेप लेते हैं, यानी कि स्टंप से यहाँ पीछे, उसके बाद वो यहाँ से एक लंबा जंप लेते हैं, जैसे भी मैंने करके दिखाया, वो समवेयर यहाँ पर लैंड होता है। ये मार्क किस लिए होता है कि यहाँ से आप जंप करेंगे, आपकी जो जंप है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो आप यहाँ से अपना जंप करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप जिस तरह से रनअप को मैनेज करना चाहते हैं, जिस तरह से रनअप को मार्क करते हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे बॉलर क्या करते हैं, जैसे एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उन्होंने यहाँ पर एक मार्क लगाया, फिर यहाँ से वो 5 स्टेप गिनते हैं, 5 से 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और फिर वो यहाँ पर मार्क करते हैं। वो यहाँ पर मार्क क्यों करते हैं कि उनका जो यहाँ से जंप होगा वो नो बॉल पर नहीं जाएगा, मतलब परफेक्ट यहाँ से आपको जंप लेना और वहाँ पर परफेक्ट लैंडिंग होगी आपकी, राइट। वो इसलिए मार्क करते हैं। तो आपने ये मार्क कर लिया एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ से आपका जो रनअप है वो कितने कदम का है वो आपको चेक करना है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो रनअप है उसे कोशिश करिएगा कि उसको ऑड नंबर में रखिए, राइट। यानी कि 9 11 13 15 17 19
उसे इवन नंबर में मत रखना, राइट। तो ऑड नंबर में रखिए। तो मेरा जो रनअप है वो 23 कदम का, यानी कि 23 कदम का मेरा रनअप है। 23, 21, 19 कर सकते हैं आप, जो आपके हिसाब से डिपेंड करता है, राइट। वो मेरा रनअप है। अब आपको क्या करना है कि जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे, जैसे कि आपने, जैसे मैं रनअप अपना मार्क कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, तो देख सकते हैं कि आप, मैं अपने रनअप पे आ चुका हूं इस समय। और यहां से आप ज़रा कैमरा दिखाएंगे, पूरा स्ट्रेट इन दो कोन के बीच से आप देख सकते हैं, पूरा स्ट्रेट भागना है मेरे को, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां से बिल्कुल स्ट्रेट भागना है मेरे को। अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि आपको अपने एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर देना जब रिदम रनिंग करना शुरू करोगे। आपको रिपीटेशन इसके ज़्यादा करने, कितने रिपीटेशन करने, अगर आप सपोज एकेडमी वीक में 3 दिन जाते हैं तो 3 दिन ही रिदम रनिंग करो। कितना करना है, कम से कम एक बार में 30 बॉल्स या 60 बॉल्स, या आप डेफिनेटली कर सकते हैं बॉलिंग से पहले 2-3 ओवर रिदम रनिंग कर सकते हैं, उसके बाद बॉलिंग कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और इसका आपको साइकोलॉजी क्या रखना है वो समझिए कि आपके माइंड में क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से आप धीरे धीरे भागेंगे, फिर बीच में जाके हल्का से तेज होंगे, जब एंड के 3-4 स्टेप्स बचेंगे तो आपको पूरी पावर लगानी है। और फिर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि पावर आपको ऐसे लगानी है कि आप कंट्रोल में रह सको, राइट। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी फास्ट बॉलर को नकल नहीं करना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि शोएब अख्तर का रनअप ऐसा था, ब्रैडली सर का रनअप ऐसा था, वो ऐसे भागते थे ऐसे भागते थे, नहीं भाई, जब आप इस पर रनिंग करोगे ना तो आपका खुद का एक बॉलिंग स्टाइल निकल कर आएगा, आप किस तरह भागते हो। कई फास्ट बॉलर होते हैं जिनके जो स्टेप्स होते हैं वो इतने खुलते हैं, पूरा खुलते हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं। कई सारे फास्ट बॉलर होते हैं उनके पैर कम खुलते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसी प्रैक्टिस करी हुई है। अगर आप टी नटराजन को देखोगे उनके स्टेप्स कितने कम खुलते हैं, आप ऑन द अदर हैंड उमेश यादव सर को देखोगे तो उनके स्टेप्स कितने ज़्यादा खुलते हैं। तो डिपेंड करता है वो आपने अपने रिदम को कैसे ट्रेन कर रखा है, राइट। तो इसका आपको टेक्निक क्या ध्यान रखना है कि पहले आपने ऐसे आराम से शुरू करना है, बीच में थोड़ा सा रिदम को तेज करना और एंड में और तेज़ हो जाना है, राइट। ये इसका रिदम का पैटर्न होता है, इसी पे ही आपको बार 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 रिपीटेशन करना है। जब रिपीटेशन करेंगे तो आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो आई होप गाइज कि आपने, मैं जो रिदम रनिंग कर रहा था वो आपने देखा होगा। एंड मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ कि हमने आज इस वीडियो से क्या सीखा। सबसे पहले जब भी आप रिदम रनिंग करेंगे आपको कंट्रोल करना सीखना है, आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो थोड़ा सा पहले धीरे भागना है, फिर बीच में मीडियम एंड एंड में तेज भागना शुरू करना है, और सारी चीज़ें आपने कंट्रोल में करनी है। आपको इसके रिपीटेशन ज़्यादा करने हैं। जिस दिन आप अकेडमी नहीं जाते उस दिन आप 30 बॉल से लेकर 60 बॉल तक रिदम रनिंग कर सकते हैं, और आपने उस पर फ्लो चेक करना है कि मैं पहले धीरे भाग रहा हूँ फिर तेज़ भाग रहा हूँ फिर एंड में सबसे तेज़ भाग रहा हूँ, राइट। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप ना किसी को भी देख के रिदम बड़ा मत करना अपना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम अपने रिदम को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं तो जब हम विकेट के पास तक पहुँचते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, राइट। यहाँ से अगर मैं 4-5 स्टेप की बात करूँ तो पूरी एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको रिदम अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि मैं कितने पे मेरे को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। वो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप लगातार रिदम रनिंग करोगे जब आपको पता चलेगा, राइट। इसके रिपीटेशन ज़्यादा करना है। आप कम से कम अपने रिदम को 90 दिन का समय देना कम से कम, और उसके बाद देखना कि आपका जो रिदम है वो कितना इंप्रूव हो चुका है। और मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि जिस कंडीशन पर अभी आपका रिदम था जो ख़राब था वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।